हाय गाइस, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम बताने वाले हैं आपको डीएसए के मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, डीएसए कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट है, ये आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको प्लेसमेंट दिला सकता है, 5 लाख या 50 लाख तक भी पहुँचा सकता है आपका प्लेसमेंट पैकेज। तो ये सब्जेक्ट है, ऐसा समझ के मत पढ़ना इसको। ये बीटेक के पूरे 4 साल या लाइफ टाइम काम आएगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो। तो इट्स नॉट ए जॉक। पहली बार डीएसए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन जब आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठोगे, प्लेसमेंट देने बैठोगे, लेने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक तरह से ऐसे पढ़ना है जैसे कि ये बस पढ़ना है, माइंड में फिट करना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अभी एग्जाम के लिए मार्क करवा रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर हो सके तो प्लेलिस्ट बनवाऊंगा। देखिए, डीएसए की मेरे पास एक पीडीएफ है, और ऐसी पीडीएफ है वो ना केवल इस पेपर को क्रैक करवाएगी, बल्कि आपके बीटेक के 4 सालों में जो भी आप पढ़ रहे हो या आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठोगे, जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो इंटरव्यूअर्स, तो आपको उनके आंसर कहाँ मिलेंगे, इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, जस्ट 29 रुपीज। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए की, बहुत बहुत, और बहुत तगड़े एनालिसिस करके बनाई गई है, तब जाके ये पीडीएफ बनी है, मजाक में नहीं बनाई है। डीएससी की पीडीएफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इतना जोर इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आपका करियर सुधार सकती है, ये वाली पीडीएफ, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से पूरा सिलेबस कंटेंट किया हुआ है इस वाली पीडीएफ के अंदर। तो मेक श्योर ये वाली पीडीएफ आप इन जस्ट 29 रुपीज ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है जो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर है, वहाँ से पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, बस इतना सा काम है मेल आईडी के ऊपर। फिर आपको सारा एक्सेस मैं दे दूंगा पीडीएफ का, ना केवल डीएससी की पीडीएफ मिलेगी इन जस्ट 29 रुपीज़, आपको जितनी भी सब्जेक्ट्स है उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन जस्ट 29 रुपीज़। तो आप मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको फिलहाल तो, और आपको पीडीएफ ये लेनी चाहिए, मैं तो बोलूँगा 100% आपको ये पीडीएफ लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके इस बार के पेपर के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है मेरे बच्चों, लाइफ के लिए। लाइफ बनानी है क्या आपको, तो ये पीडीएफ जरूर लो। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, देखिए हमें पहले अभी थ्योरी आई थी ना स्टैक क्या होता है, वो एक बार रीडिंग कर लेना आप। तो स्टैक क्या होता है, कैसे क्या फंक्शन वर्क करते हैं, वो समझने के बाद आप इस पर आना एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, स्टैक की एप्लीकेशन होती है टावर ऑफ हनोई, ठीक है, तो वो आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखानी है। एक क्वेश्चन है आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर को स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एज यू कैन सी, ट्रांसलेट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स, तो इसमें डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। ट्रिक होती है, और ट्रिक मैंने पीडीएफ में दे दी है, वहाँ से आप देख लेना, 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी इनके आंसर निकालने में। एक क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, कैसे क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन कैसे होता है, लाइक किसी भी एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो डिलीट कर रहे हो कैसे होता है, तो वो यहाँ से देख लेना। एक क्वेश्चन आप ये वाला मार्क करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन यूजिंग स्टैक विद ए सुटेबल एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये जरूर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है 11 टावर ऑफ हनोई क्या होती है, एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो यहाँ देखो डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाला आप देख लेना। तो ये हो गया अपना चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। क्यू, ये पहले आप क्यू पढ़ोगे कैसे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आओगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्यू एंड सर्कुलर क्यू। सेकेंड क्वेश्चन आप बोलोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन करोगे कंपेरिजन बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगे, देखना अगर आप डीएसए में थोड़ा एक्सपर्ट हो रहे हो तो। 9 नंबर, राइट ए एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट द स्टैक ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, ये वाला कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन हेडर नोड, ठीक है, हेडर लिंक लिस्ट होती है, उसमें हेड नोड क्या करता है तो वो एक्सप्लेन करो ये रहा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या होती है, ये आप देख लेना 4-5 एप्लीकेशंस, ठीक है। एंड मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, मतलब वो न्यूमेरिकल वाले, यस एक ये वाला कर लीजिए।
एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन मेमोरी। एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। इसके अलावा ये क्वेश्चन से नॉर्मल या आप जैसे पीडीएफ से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कसर पसर हो रही है, सब कुछ मिक्स कर रखा है इसमें। सो राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू द सिंगल लिंक लिस्ट। हो गया, आगे चलें। ओके सो ये सब छोड़ते हैं। चैप्टर 3 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। अरे गाइस बहुत शानदार है ये तो, मतलब इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा कहीं नहीं, मतलब ऐसा चांस है ही नहीं कि ये पूछा नहीं जाए। तो इंटरव्यू में सर्चिंग सॉर्टिंग हमेशा पूछी जाती है, और इसके ऊपर इतने खतरनाक नोट्स बनाए हैं आप बिलीव नहीं करोगे, बोलोगे यार सर क्या तगड़े नोट्स बनाए हैं, मतलब डायग्राम आपने दिया है, आपने एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करी है, और हमें पता है सबसे फास्ट सॉर्टिंग कौन सी है, सर्चिंग कौन सी बढ़िया, तो ये सब हमें आइडिया लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो PDF लीजिए इन जस्ट 29 रुपीज़, और आपको कंप्लीट एक्सेस उसका मिल जाएगा। ओके तो सर्चिंग सॉर्टिंग वहाँ से पढ़ना आप, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक मार्क कीजिए सर्चिंग बाइनरी सर्च क्या होता है और उसकी एल्गोरिथम क्या है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर करना बाइनरी सर्च के ऊपर, मतलब एल्गोरिथम, उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसके ऊपर न्यूमेरिकल बाइनरी सर्च। एक आप करो क्विक शॉर्ट के ऊपर, ठीक है क्विक शॉर्ट पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो वो। एक आप करो ये वाला बबल शॉर्ट, ऊपर ऊपर देख पा रहे हो बबल शॉर्ट के ऊपर करो। एक आप करो काउंटिंग शॉर्ट, एक आपको और करवाऊंगा हीप शॉर्ट। यस हीप शॉर्ट पे भी जरूर करो, हीप शॉर्ट में दो होते हैं मैक्स हीप और मिनी हीप, तो आप मैक्स हीप से करना या मिनी हीप जो भी आपकी चाहे, तो हीप वाला जरूर करना हीप शॉर्ट। बस इतना ही, ठीक है। लीनियर सर्च भी पढ़ लेना एक बार, पढ़ने में क्या है वो तो बहुत ईजी है, बाइनरी आता है तो लीनियर तो न्यू आएगा आपको। यह वाली आप डिटेल पढ़ोगे पहले, उसके बाद आप क्वेश्चंस के ऊपर आओगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है बी ट्री और बी प्लस ट्री में डिफरेंस बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है बाइनरी ट्री क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन थ्रेडेड बाइनरी क्या होती है। नॉर्मल है सब, ज़्यादा टफ नहीं है, आप रीड आउट करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन है कि इन शॉर्ट इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाला, तो ये वाला देख लेना बाइनरी ट्री के अंदर ही आता है ये। एक एवियल ट्री क्या होता है। एवियल ट्री मेरे से इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया गया है, तो मेक श्योर एवियल ट्री आप ढंग से पढ़ के जाएं। और इसी के अंदर होता है एक रोटेशन, ठीक है बैलेंस फैक्टर करके, वो आप PDF में देखोगे तो अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन कीजिए बैलेंस फैक्टर विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ एवियल ट्री, एग्जांपल के थ्रू कैसे करोगे, तो वो आप यहाँ पे चेक इट आउट कर सकते हो। ओके एंड एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है एवियल का, तो एवियल का जरूर करें, एग्जाम में तो आया ना आया लेकिन इंटरव्यूज में देख लेना आप, मिल जाएगा एवियल का। हो गया चैप्टर 5 आ गया आपका ग्राफ फाइनल है। पहले ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ना कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एंड ऑल, उसके बाद आपना आप इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करो कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी भी आपकी सॉर्टिंग है उसके ऊपर ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है इससे बेटर हमने समझा रखा है PDF में एक एक चीज़, तो वहाँ से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ये टेबल समझ में आ जाएगी क्या कह रही है टेबल। BFS और DFS पढ़ के जाओगे आप, इनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये दोनों कैसे क्या काम करते हैं वो भी, और ज़्यादा दिक्कत आए तो PDF में देख लेना। DFS का यहाँ पे दे रखा है ट्रेवर्सल, ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पर प्रिम्स एंड क्रूसकल दोनों इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम के अंदर आता है ये प्रिम्स और क्रूसकल, तो ये जरूर पढ़ के आना, यानी कि इनको सीखना कैसे करते हैं ये। एक आप ये करो ये तीनों एडजेंसी लिस्ट मैट्रिक्स एंड मल्टी लिस्ट ये पढ़ के जाओ, यानी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब अपन तीन तरीके इनको यूज करते हैं नॉर्मली, ये कहने का मीनिंग है। एक होता है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होती है समझो, ठीक है आगे चलें।
एक आपका प्रिंस और क्रूसकल के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी जरूर करना। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा आपको, प्रिंस क्या करने को कोशिश कर रहा है और क्रूसकल क्या, दोनों ही स्पेनिंग ट्री के अंदर आते हैं लेकिन दोनों के करने की अप्रोच अलग अलग है। हैश फंक्शन समझ गए, ये करना है आपको। इसके साथ आपकी डीएसए कंप्लीट हो गई है और लाइफ को सेट करने के लिए वो पीडीएफ जरूर लीजिए। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, डीएसए आप किसी को जाके बोल लेना डीएसए कितनी इंपॉर्टेंट है, और पीडीएफ बहुत बहुत मेहनत करके बनाई गई है। मजाक में मत लेना पीडीएफ को कि यार इसने तो कुछ ही लिख रखा। जब आप डीपली पढ़ोगे तो आप समझोगे यस इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है इंटरव्यू के अंदर, समझ पा रहे हो, तो इतना इंपॉर्टेंट है। सो बनाइए लाइफ और पढ़िए, ठीक है, और शेयर जरूर करो यार वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।